औरैया जिले में मुस्लिम तबके के लोगों को बिना अनुमति बाइक रैली निकालना भारी पड़ गया। पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए बाइक रैली निकालने वालों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस ने 8 नामजद समेत 50 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। आरोप के मुताबिक धारा 144 लागू होने के बावजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने बाइक रैली निकाली थी, जिसके बाद में पुलिस ने विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 25 से 30 बाइकों पे कुछ लड़के कस्बे में बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। इसका उल्लंघन करते हुए ये लड़के पाए गए हैं। समीचीन धाराओं में थाना फकूत पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर दिनेश शाक्या जुड़ गए हैं। दिनेश, अब क्षेत्र में धारा 144 लागू थी तो किसकी परमिशन से यहां पर रैली निकाली गई? ये बड़ी हैरत की बात कही जा सकती है कि जब धारा 144 की निषेधाज्ञा औरैया जनपद में लगी हुई है और बिना अनुमति के मुस्लिम तबके से जुड़े हुए लोगों ने एक बाइक रैली निकाली है, जिसमें 50 की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद पुलिस ने पूरे मसले को संज्ञान में लिया है। 8 लोगों को नामजद करते हुए 50 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और वीडियो के आधार पर सबकी पहचान की जा रही है कि इन लोगों ने बाइक रैली आखिरकार क्यों निकाली, इनका क्या मकसद और मंशा था। और उसी आधार पर पुलिस के अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं कि सभी की गिरफ्तारी की कोशिशें पहचान के बाद में की जा रही है, लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये जो बाइक रैली है बिना अनुमति क्यों निकाली गई और इसके पीछे इन लोगों का क्या उद्देश्य और मंशा था। बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं और बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग इसमें शामिल हुए हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगरा में पुलिस ने सिकंदरा चौराहे के पास में स्थित शेल्टर होटल में छापा मारा। होटल में पुलिस के पहुंचने से खलबली मच गई और आरोप के मुताबिक होटल के कमरे में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने 15 लोगों को पकड़ लिया है, इनमें होटल संचालक भी शामिल है। थाना सिकंदरा पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल के कमरे में जुआ खेला जा रहा है। इसके बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची और सट्टेबाज संजय कालिया समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े जुआरियों में कई रईसजादे भी शामिल हैं। पुलिस ने होटल से 14 लाख रुपए कैश और इसके अलावा 22 मोबाइल फोन, बाइक, स्कूटी और ताश की गड्डियां भी बरामद की हैं।